हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग मुगल एम्पायर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज मैं जो आपको जिस महानायक की कहानी सुनाऊंगा, वो भले ही शासक के रूप में इतना फेमस नहीं हुआ, लेकिन वो बाबरी मस्जिद को लेकर बहुत फेमस हुआ। एक ऐसी मस्जिद जो शायद उसने कभी बनवाई नहीं थी, उसके सेनापति ने बनवाई थी, और ये बात शायद बाबर को पता भी नहीं थी। एक किताब है अयोध्या, इस किताब को आप पढ़िए। विजय सिंह ने यह किताब लिखी है, आपको सारी कहानी यहाँ पता चलेगी। खैर, तो बाबर, इसकी जो बायोग्राफी है तुज़ूक-ए- बाबरी, इस बायोग्राफी को आप सब लोगों को पढ़ना चाहिए। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बायोग्राफी है, और ये कैरेक्टर जो है हमको बहुत सारे मैसेजेस देता है, बहुत सारी चीज़ें हमको सिखाता है। तो तुज़ूक-ए- बाबरी आई थिंक सबको ही पढ़ना चाहिए, उससे हम लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अब बाबर जो था, वो एक उसका जीवन जो था ना बाबर का, वो बहुत संघर्ष से पूरा भरा हुआ था। संघर्ष, लड़ाई लड़ाई लड़ाई, युद्ध युद्ध, और वो पूरा संघर्ष से भरा हुआ था। ही वॉज अ वेरी गुड स्ट्रगलर, ही लाइक टू स्ट्रगल, वो लड़ना जानता था, वो स्ट्रगल करना जानता था, और उसको ये खेल लगता था, खेल। ही फाइंड्स इंटरेस्टिंग टू यू नो कीप स्ट्रगलिंग फॉर थिंग्स। इसीलिए इतनी बार हारने के बाद भी ही एस्टैब्लिशेस द मुगल एम्पायर इन इंडिया। सो मुगल एम्पायर एस्टैब्लिश्ड बाय बाबर, ठीक है। नाउ इफ यू आर एम्बिशियस एंड इफ यू आर टैलेंटेड, देन पीपल विल अपोज यू, पीपल विल try to you know misguide you. So firstly what they will do is, लोग आपको थोड़ा सा डराएंगे चीज़ों से, कह रहे एग्जाम की तैयारी कहाँ लग रहे हो, बहुत बड़ा समंदर है ऐसा वैसा। आप फिर भी नहीं मानेंगे तो आपको फिर वो डी मोटिवेट बहुत और अलग तरीके से करेंगे, फिर आपको पब्लिकली डिफेम करने की कोशिश करते हैं, अरे बहुत जानते हैं इनके बारे में ऐसा वैसा, अगर आपका मान लीजिएगा अटेम्प्ट में नहीं होता है तो, ठीक है। तो आपको इनसे डरना नहीं है कि लोग क्या कह रहे हैं, कहने दीजिए। बट वंस यू क्रॉस दीज थिंग्स एंड यू अचीव समथिंग बिग, फिर यही लोग आपके पास आके कहेंगे मैं तो पहले ही जानता था ये दुनिया में, ये जिंदगी में कुछ करेगा। तो बाबर सेम, बाबर भी इसी तरह से हारते हारते ऊंचाइयों तक पहुंचा। ही नेवर केयर्ड अबाउट इट, और यही उसकी पर्सनैलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है जो हम सबको लेना चाहिए, संघर्ष करना। संघर्ष करोगे ना तो आप कहीं भी पहुंच सकते हो। तो बाबर, उसको सर झुकाना आता ही नहीं था, सर झुकाना ही नहीं आता था उसको, ठीक है। तो अगर बाबर की बात करें हम, तो ये मिर्जा शेख का लड़का था, मिर्जा शेख। और मिर्जा शेख सब उस जगह थी, इसका आप देखेंगे तो ये फादर था, ही वॉज दी सन ऑफ मिर्जा शेख। और द प्लेस एक्चुअली आप देखेंगे इसका जो रूल है ना, वो समरकंद से लेकर दिल्ली तक है, समरकंद से दिल्ली तक। और बाबर का अपने फादर से डायरेक्ट ऑपोजिशन, ओपनली पब्लिकली एकदम ओपनली दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट थे, ठीक है। तो इसका आप देखेंगे तो ये समरकंद से लेकर दिल्ली तक, ये बाबर का पूरा जोन था। यहाँ से इसका शुरुआत होती है समरकंद से, और दिल्ली तक इसकी पहुंचती है। ये कैसे इसका जर्नी समरकंद से शुरू होकर दिल्ली तक पहुंचता है, ये हम बाबर के इस कहानी में देखेंगे आज, ठीक है। तो बाबर सन ऑफ मिर्जा शेख। और दूसरी बात ये है कि ये जो आदमी बाबर था, ये ही वॉज द डिसेंडेंट। अब ये अपनी मदर की तरफ से, तो ये चंगेज खान की तरफ से था, फ्रॉम द मदर साइड, और फादर की तरफ से ये तैमूर की तरफ का था। तो उसकी आप जो फैमिली लेगेसी है वो तो आप देख ही रहे हैं कि बहुत ही भयानक, बहुत ही तगड़ी वाली है। खून में ही लड़ाकूपन था, तो बाबर को तो होना ही था, ठीक है। और साथ में बाबर जो था वो अपनी दादी से बहुत इंप्रेस था, ग्रैंड मदर। अब बिकॉज ग्रैंड मदर जो थी वो उसको तैमूर के किस्से सुनाती थी, और तैमूर की बातें सुनकर बाबर जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता था कि मुझे भी कब्जा करना है पूरे दुनिया पे।
एंड ही वॉन्टेड टू बिकम लाइक हिज फादर। ठीक है, अब क्या हुआ कि बाबर बिकॉज ही वॉज टैलेंटेड तो लोगों ने इसको अपोजिशन करना शुरू किया, और जब उसको अपोजिशन किया तो वो समरकंद से भागता है और काबुल पहुंच जाता है, और काबुल पहुंचने के बाद ही डिक्लेयर्स हिमसेल्फ द रूलर ऑफ काबुल इन 1504। तो बाबर डिक्लेयरिंग हिमसेल्फ इन 1504 एज द किंग ऑफ काबुल। ठीक है, काबुल क्यों भागा वो? बिकॉज अब समरकंद में लोग उसको अपोजिशन कर रहे थे, तो वो काबुल पहुंच जाता है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और होती है कि आपको कभी जिंदगी में ये नहीं कहना है कि हम हार गए या मैं हार गया। इट्स ऑलवेज अ फाइट। डिलीट दिस वर्ड यट यू हैव लॉस्ट दी वॉर, यू आर फाइटिंग। और बाबर यही करता रहा, उसने कभी हार नहीं मानी, वो हमेशा लड़ता रहा, संघर्ष करता रहा। आप उसकी अगर बायोग्राफी पढ़िए तो उसमें आप देखेंगे ही सेज क्या हुआ अगर मैदान हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे, अदम्य साहस और इच्छा शक्ति अभी नहीं हारे। तो ये दो चीज़ है ना, जो करेज एंड दी विल पावर, दीज टू थिंग्स बाबर सेज कि ये मैं कभी नहीं हारा, इसकी कमी मेरे अंदर कभी नहीं हुई, भले ही मैं मैदान में हार गया हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी बात एक ये भी होती है कि अगर राजा है और राजा के पास अगर स्पिरिचुअल गुरुज बहुत अच्छे हैं, उसको एडवाइस करने के लोग बहुत अच्छे उसके पास हैं, तो वो राजा हमेशा सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन अगर आपके दोस्ती आपको दगा दे दें तो आपके लिए आसान नहीं है फिर बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचना। बाबर के साथ ये बहुत बेनिफिट था कि उसका जो स्पिरिचुअल गुरु था, स्पिरिचुअल गुरु ही वॉज उबेतुल्ला एहरार। अब ये जो है इसका स्पिरिचुअल गुरु था और उसको बहुत अच्छी एडवाइस करता था। अब काबुल का एक ज्योतिषी ने कहा बाबर से कि तुम पानीपत की लड़ाई नहीं जीतोगे, तो बाबर ने कहा कि अब तो मैं ज़रूर लड़ूंगा पानीपत की लड़ाई। अब ऐसे लोग होते हैं ना कि किस्मत भी उनके आगे फिर झुकना पड़ता है उसको, डेस्टिनी हैज़ टू बेंड इन फ्रंट ऑफ दीज पीपल। और किस्मत को कहीं मत कोसिए, आपको किस्मत को हराना है तो रोना छोड़ दीजिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है। एंड बाबर वॉज वेल वर्स विद दिस। और फिर बाबर को न्योता आता है हिंदुस्तान से, दौलत खान लोधी, ही इन्वाइट्स बाबर। कहते हैं कि राणा सांगा ने भी भेजा था लेकिन इसका इंस्टेंस कम मिलते हैं। तो ये कहा जाता है कि फिर दौलत खान इन्वाइट्स बाबर टू किल इब्राहिम लोधी। अब दौलत खान लोधी, देखिए मैंने आपको एक कहानी पहले ही बताई है इब्राहिम लोधी के क्या क्या ख़राब स्टेप्स थी जिसकी वजह से दौलत खान लोधी जो उसका चाचा ही था उसको बाबर को इनवाइट करना पड़ा और बाबर को बुलाया। अब बाबर की आप एक बार और अगर आप देखेंगे उसकी जो बायोग्राफी है उसमें वो दो राजाओं की बहुत तारीफ़ कर रहा है। एक उसने देखा गया है कि वो राणा सांगा की तारीफ़ बहुत कर रहा है उसमें, राणा सांगा, जबकि राणा सांगा उसका एनिमी है। कृष्णदेव राया की बहुत तारीफ़ कर रहा है, मतलब ये कहने का मतलब है कि भले ही वो उसके एनिमी हैं, दुश्मन थे, लेकिन फिर भी बाबर उनकी तारीफ करता दिख रहा है। तो एक चीज़ हम ये भी निकाल सकते हैं कि एक अच्छे दिल का इंसान था। देखिए हम लोग क्या है पढ़ रहे हैं, हमें ज़्यादा इसमें रिलीजियस टच नहीं लाना है, हमको सिर्फ पढ़ना है, हमको एक हिस्टोरियन की तरह किसी भी एक रूलर को एनालिसिस करना है उसका कि वो कैसा था। इससे मतलब नहीं है कि हिंदू था कि मुसलमान था कि क्या था, राजशासक कैसा था ये देखना है। तो आप देखोगे अपनी तुजुकी बाबरी में वो राणा सांगा की बहुत तारीफ कर रहा है, कृष्णदेव राया की बहुत तारीफ कर रहा है। ठीक है, तो दौलत खान लोधी ने बाबर को इनवाइट किया इब्राहिम लोधी को मारने के लिए, और दौलत खान लोधी ये चीज़ को एनालाइज करना में गलती कर गया कि बाबर वॉज एन एक्सपेंशनिस्ट। बाबर एक एक्सपेंशनिस्ट था, वो अपना राज्य को अपने राज्यकाल को बढ़ाना चाह रहा था, वो एक एक्सपेंशनिस्ट था। जैसे कि मोहम्मद गौरी, ही वॉज ऑल्सो एन एक्सपेंशनिस्ट। जिस तरह से पृथ्वीराज चौहान, ही कुड नॉट फोरकास्ट कि मोहम्मद गौरी एक एक्सपेंशनिस्ट है, जिस तरीके से दौलत खान लोधी कुड नॉट एनालाइज दैट बाबर इज एन एक्सपेंशनिस्ट, जिस तरीके से सिराजुद्दौला कुड नॉट एनालाइज दैट ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ ब्रिटेन इज एन एक्सपेंशनिस्ट, इन तीनों लोगों को इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ा। पृथ्वीराज चौहान से गलती हुई, इस्लाम, एडवेंट ऑफ इस्लाम शुरू हो गया। दौलत खान लोधी से गलती हुई, मुगल अंपायर आ गया। शुजाउद्दौला से गलती, सिराजुद्दौला से गलती हुई,
ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, ब्रिटेन आ गया। तो ये चीज़ को एनालाइज करने में बड़ा इनको गलती हो गई, और इसलिए फिर उसके बाद 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। और इस बैटल में, इस बैटल की बात करें अगर, तो इब्राहिम लोधी और ये बाबर के बीच लड़ी गई थी। इब्राहिम लोधी की अप्रॉक्सीमेटली 100,000 सैनिक थे, 100,000, एंड बाबर सिर्फ 40,000 के आसपास था। तो बाबर यहाँ एक मैसेज और देता है कि सारी लड़ाइयाँ तलवारों से नहीं जीती जाती। उसका एक सैनिक उसके पास आया, मेरे पास तलवार नहीं है, मैं लड़ूँ कैसे? बाबर गिव्स हिज स्वॉर्ड टू हिम एंड सेज कि सारी लड़ाइयाँ तलवार से नहीं जीती जाती हैं। एक वो बड़ा हिंदी का वो है मुहावरा है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो यहाँ गंगू तेली बाबर, बाबर गंगू तेली ने भी अच्छे अच्छों को धर दिया। ठीक है, अब बाबर एक बार उसने यहाँ पर अब हराया, हराने के बाद बाबर जो है वो आगे बढ़ता है एंड ही कैप्चर्स दिल्ली एंड आगरा, दिल्ली और आगरा पे वो कब्जा कर लेता है। और दिल्ली और आफ्टर दिस बैटल ही कैप्चर्स दिल्ली एंड आगरा। और जब वो 1504 में, जब वो 1504 में काबुल का राजा बनता है, तो वो काबुल के लोगों को बोलता है, ही गिव्स देम दी होप दैट वी आई विल लिफ्ट यू अप, आई विल मेक यू सम गुड, आई विल मेक यू सम लिफ्ट यू अप टू अ हाई प्लेस। वो काबुल को लोगों को थोड़ा सा होप दिलाता है कि मैं तुम लोगों को उठा के ऊपर ले जाऊंगा। और जैसे ही उसने इब्राहिम लोधी को हराया बैटल ऑफ, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, तो जो भी चीज़ उसने इस लड़ाई से जीती थी उसने उठा के दे दिया काबुल के लोगों को, क्योंकि उसने वादा किया था कि मैं तुम लोगों को एक बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छे पोजीशन दिलाऊंगा। वट एवर ही वन इन द बैटल ही गेव इट टू द पीपल ऑफ काबुल, एंड इन दिस, ऑन दिस पॉइंट द पीपल ऑफ काबुल गेव हिम द टाइटल ऑफ कलंदर। कलंदर ये टाइटल जो है बाबर को मिल गया, उसको जो है लोगों ने कलंदर का, कलंदर की उपाधि दे दी। अब आप देखिए कि जो उसने ये प्रॉपर, जो भी चीज़ें उसको लड़ाई में मिली थी, ही डिड नॉट डिस्ट्रीब्यूट दिस बिकॉज ऑफ सम अफेक्शन। ऐसा नहीं था कि उसने मोहब्बत में बांट दी हूँ, दैट वॉज हिज गेम, इट वॉज हिज अंडरस्टैंडिंग मेच्योरिटी लेवल, क्योंकि उसको पता था कि अभी लड़ाई बहुत लड़नी है। और अफगानीज, मैंने आपको बताया पहले भी कि इनकी लड़ने की जो क्षमता होती है बहुत ज़्यादा होती है, अफगानी से लड़ाकू रेस। तो बाबर को उनकी वैल्यू पता थी कि हमको जो है अफगानीज को मिला के रखना है, यही लोग हमको आगे जिताएंगे। और तो जब जीत जाता है और काबुल के लोगों को सारी सामान दे देता है लड़ाई का, उसको कलंदर का टाइटल मिल जाता है। ठीक है, अब जब ये आगे बढ़ता है राजपूत के खिलाफ, तो अफगानीज भी होते हैं वो सुने हो तो मना कर देते हैं कि नहीं नहीं अब हम राजपूत के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। दे रिफ्यूज्ड बिकॉज अफगानीज ने सुना हुआ था पहले ही राजपूत के बारे में कि राजपूत भी बहुत अच्छे लड़ाकू योद्धा हैं और उनको पार पाना बहुत मुश्किल है, और जो पहले के राजा हुए हैं वो भी राजपूत को पार नहीं कर पाए। सो दे रिफ्यूज्ड, अफगानीज रिफ्यूज कि नहीं नहीं हम तो आगे नहीं लड़ेंगे। लेकिन फिर उसके बाद बाबर ही टेक्स आउट अ कार्ड ऑफ रिलीजन, और वो लोगों से कहता है, अरे यार क्यों नहीं चलोगे, वी आर मुस्लिम्स दे आर हिंदू। वो ये कार्ड प्ले करता है। अब देखिए इस चक्कर में जो है वो अफगानीज फंस गए। बाबर, उसका मकसद नहीं था हिंदू मुस्लिम टाइप की लड़ाई करवाने का, इट वॉज अ पॉलिटिकल वॉर फॉर बाबर। उसको तो अपना एक्सपेंशन करना था ना, उससे क्या मतलब राजा मुसलमान हो क्या, क्या है क्या नहीं है। वो अपना राज्य का, वो अपना एम्पायर का एक्सपेंशन करना चाहता था। उसको दिखा ये तरीका कि इस तरह से अगर मैंने इनको मिला लिया अपने साथ तो ये मुझे हेल्प कर देंगे, और हुआ भी वही, बाबर ने उनको अपनी तरफ मिला लिया। एंड देन बाबर मार्च्ड अगेंस्ट राणा सांगा इन 1527 इन द बैटल ऑफ खानवा, वेरी इंपॉर्टेंट बैटल। ठीक है, बैटल ऑफ खानवा 1527, बाबर उन लोगों को मिलाने के बाद और जिहाद का नारा देने के बाद वो बैटल ऑफ खानवा लड़ता है एंड डिफीट्स राणा सांगा। बाबर वर्सेस राणा सांगा, क्लियर। देखिए ये बात आपको याद रखनी है कि ये लड़ाई पॉलिटिकल वॉर थी, आपको हिस्ट्री की तरह देखना है, हिस्टोरियन की तरह देखना है। भाई वो राजा है, उसको अपना एक्सपेंशन करना है खाली, उसको क्या मतलब कि हिंदू है मुस्लिम क्या होता है।
ही वॉन्टेड टू एक्सपैंड, और उसने इस चीज का रिलीजन को उसने इस्तेमाल किया खाली, ठीक है। बैटल ऑफ खानवा डिफीटेड राणा सांगा इन 1527, ऑलराइट। और इसके बाद वो आगे बढ़ा और फिर तो रुकने का नाम नहीं लिया। 1528 ही फॉट द बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ चंदेरी अगेंस्ट मेदिनी राय, मेदिनी राय। और फिर उसके बाद इसकी आखिरी लड़ाई जो घग्गर में हुई थी, बैटल ऑफ घग्गर अगेंस्ट मोहम्मद लोधी, ये बहुत बड़ी लड़ाई थी और इसको भी इसने जीत लिया। यानी 1538 बैटल ऑफ घग्गर एंड दिस वाज अगेंस्ट मोहम्मद लोधी। फाइन, तो ये तीन बैटल इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इन तीनों बैटल को वो लाइन से लगाने को क्या पूछ लेता है क्वेश्चन में, अरेंज दिस बैटल इन हायरार्की, कब कौन सी लड़ी गई। तो ये आपको इस तरह से याद रखना है कि उसके खिलाफ लड़ी गई, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो बाबर का बेसिक मोटिव था एक्सपेंशनिस्ट, मैंने आपको बताया पहले ही। दौलत खान लोधी ये चीज़ नहीं देख पाया और यही चीज़ अफगानी फंस गए इसमें जिहाद के नाम पर। अगर ऐसे ही होता तो राणा सांगा के जो जो उनकी आर्मी थी उसमें हसन खान मेवाती और मोहम्मद लोधी, महमूद लोधी जैसे लोग उनकी तरफ से लड़ रहे थे, वो उनकी तरफ से थे, दीज मुस्लिम्स वेर इन फ्रंट ऑफ देम, उनके साथ थे, समझ रहे हो बात को। तो ये चीज़ हमको यहाँ समझनी चाहिए कि ऐसी कोई लड़ाई बाबर ने नहीं लड़ी, ऐसी बाबर लड़ाई नहीं लड़ी कि वो हिंदू मुस्लिम टाइप की लड़ाई लड़ना चाहता हो, वो एक्सपेंशन कर रहा था। 1529 बैटल ऑफ घग्गर, और इसके बाद 1530 में हुमायूं जो उसका लड़का होता है वो बीमार पड़ जाता है, और फिर उसके और जो बाबर होता है पूछता है सूफी से कि क्या किया जाए। तो सूफी कहता है कि अगर आप अपनी जान दे सकें, अपनी जान मांग सकें तो उसकी जान बच सकती है। और फिर वो कहानी सबको पता है कि हुमायूं जो है वो बेड पे लेटा होता है और बाबर उसके बेड के चारों तरफ चक्कर काट के एक तरह से मन्नत मांगता है वो। तो हुमायूं जो है फिर वो बच जाता है और बाबर जो है ही डाइज, बाबर डाइज इन 1530, ही डाइज इन 1530 एट आगरा। लेकिन मरा तो वो आगरा में, बट हिज टूम्ब इट इज एट काबुल, दफनाया गया था वो काबुल में। तो कभी कभी ये भी पूछते हैं, ठीक है, क्योंकि मरा वो आगरा में था और दफनाया काबुल में गया, ठीक है। तो ये तो जो है ये बाबर की पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री हो गई कि किस तरीके से उसने लड़ाइयाँ लड़ी। ये बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ लड़ाइयाँ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ घग्गर, ठीक है, और किसके खिलाफ और कब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बाबर जो था 1530 में वो मर जाता है, लेकिन अब उसके बारे में अगर कुछ बात करें हम, कुछ उसके फैक्ट्स के बारे में, तो बाबर उस वो जो है पहला इंसान था, ही वॉज द फर्स्ट टू यूज गन एंड आर्टिलरी, गन और आर्टिलरी का यूज करने में वो पहला था, गन एंड आर्टिलरी तोप, इसका पहले, इससे पहले यूज जो है इस चीज का नहीं हुआ था। तो गन एंड आर्टिलरी का यूज ही वॉज द फर्स्ट, ये भी पूछा जाता है कभी कभी, वो ये चीज भी था। और दूसरी चीज ये थी कि जो बाबर ने एक टैक्टिक्स अपनाई थी, टैक्टिक्स लड़ाई की, और वो टैक्टिक्स को बोलते थे हम लोग तुगलुमा, तुगलुमा वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसकी टैक्टिक्स क्या थी तुगलुमा, इसको जरा समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है कि क्या होता था कि जैसे इसकी आर्मी क्या करती थी कि एक होता था रियर फॉरवर्ड, रियर फॉरवर्ड, एक होता था फ्रंट फॉरवर्ड, फिर एक होता था रियर लेफ्ट रियर, मतलब एक होता था राइट रियर, एक होता था फ्रंट रियर, फिर एक होता था राइट लेफ्ट रियर, एक होता था लेफ्ट फ्रंट, इस तरह से। और बीच में एक आर्मी होती थी, तो जब ये किसी से लड़ने जाते थे तो ये राइट एंड द लेफ्ट फ्लैंक ये दोनों इधर उधर निकल जाते थे और बीच की आर्मी आगे बढ़ती थी, ये लोग जो है जो आगे जो एनिमी है उसको फिर घेर लेते थे। तो ये टैक्टिक्स को तुगलुमा बोलते थे। तो ये क्वेश्चन भी कई बार इस तरह से पूछा गया है, द टैक्टिक्स तुगलुमा वॉज अडॉप्टेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स, ठीक है। तो बाबर की ये टैक्टिक्स थी। एक बात इसके लिए और इम्पॉर्टेंट है कि बाबर की जो
बायोग्राफी है जिसको हम लोग बोल रहे हैं बार बार तुज़ुके बाबरी, इस तुज़ुके बाबरी को, तुज़ुके बाबरी, तुज़ुके बाबरी को पर्शियन में ट्रांसलेट किया था, और जब पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया तो तुज़ुके बाबरी को हम लोग बोलने लगे थे बाबरनामा, बाबरनामा। और ये ट्रांसलेशन किया था अब्दुर रहीम, अब्दुल रहीम खाने खान, ठीक है। इसी तरीके से तुज़ुके बाबरी, ये तो इसका पर्शियन ट्रांसलेशन हो गया। इसी तरीके से तुज़ुके बाबरी का एक इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ था, और वो किया था मैडम, मैडम ब्रिविजस्की, मैडम ब्रिविज, मैडम ब्रिविज, बी आर ई, सॉरी बी आर ई, मैडम ब्रिविज, इन्होंने इसका जो है इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था, ठीक है। तो 1530 में बाबर की डेथ होती है, एंड बाबर लीव्स द स्टेज ऑन 1530, एंड हुमायूं सिट्स ऑन द थ्रोन। अब हुमायूं जो था ना, ही वॉज द रोमांटिक कैरेक्टर इन हिस्ट्री, रोमांटिक। अब इसका रोमांस आप अभी आपको देखेंगे जब मैं इसकी आपको कहानी अगले वीडियो में सुनाऊंगा, रोमांटिक, लेकिन साथ में ही वॉज वेरी इररिस्पॉन्सिबल। रोमांटिक और रिस्पॉन्सिबल तो अपने आप हो जाओगे, समझ में नहीं आ रहा है रोमांस करें कि लड़ें, ये आप देखोगे अभी। सो हुमायूं व्हेन ही सिट्स ऑन द थ्रोन, सो ही इज बेसिकली रोमांटिक एंड ही इज वेरी इररिस्पॉन्सिबल। तो जब पिताजी मरे हैं इनके, तो पूरा खजाना खाली था, पिताजी ने सारा खजाना बांट दिया था, लड़के आते थे लड़ाई में काबुल के लोगों को बांट देते थे, तो खजाना खाली था, इकॉनमी वॉज बैड। और जो उसके तीन भाई थे हुमायूं के, थ्री ब्रदर्स, कामरान, अस्कारी और हिंदल, ये तीन भाई इसके बड़ा इसको नाक में दम किए हुए थे, बहुत परेशान करते थे। पिताजी बोल गए थे बेटा भाइयों का ख्याल रखना, अब क्या करें, रखना पड़ा। प्रॉब्लम, दीज ब्रदर्स वर प्रॉब्लम, ठीक है। अब हुमायूं जब बैठता है गद्दी पे, तो सबसे पहले वो एक नया शहर बसाता है, एंड ही नेम्स दैट सिटी एज दीनपना, दीनपना, दीन के लोगों को पनाह देना, धर्म के लोगों को पनाह देना, वो ये एक शहर बसाता है नया, दीनपना। इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, दीनपना। और साथ में ये एक लाइब्रेरी बनाता है जिसको बोलते हैं शेर मंडल, इसी लाइब्रेरी से ये गिर के मर गया था सीढ़ियों से, ठीक है। ये हुमायूं की कहानी जो है हम अगले वीडियो से शुरू करेंगे। ये पूरी कहानी हमारी बाबर को लेके थी, जहाँ हमें उसका कैरेक्टर देखने को मिला। तो देखिए, हमको पहले कैरेक्टर ज़रूर देख लेना चाहिए किसी का, उससे क्या होता है कि हमको आइडिया लग सकता है कि उसका रूल कैसे होगा। जैसे मैंने आपको आइडिया दिया हुमायूं, रोमांटिक, रोमांटिक कैरेक्टर बट इररिस्पॉन्सिबल, तो डेफिनेटली बात है कि उसके रूल में जब हम पढ़ाई पढ़ेंगे अगले वीडियो में, तो हम देखेंगे वो कितनी सारी गलतियाँ करता है, कितनी सारी गलतियाँ करता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमको याद रखनी है, बाबर से हमको क्या सीखने को मिला, और बाबर की जितनी भी कहानी थी, हिज ऑल रूल फ्रॉम समरकंद टू दिल्ली, जो उसका पूरा कार्यकाल था, कैसे वो काबुल पहुंचता है, कैसे वहां के लोगों को अपने साथ मिलाता है, कैसे उनको मोटिवेट करता है, और फिर राणा सांगा के साथ लड़ाई करता है, राणा सांगा के बाद वो आगे बढ़ता है, और फिर वहां पर वो बैटल ऑफ चंदेरी अगेंस्ट मेदनी राय, एंड देन ही फाइट्स इन 1529 अगेंस्ट मोहम्मद लोधी इन बैटल ऑफ गग्गर। दीज बैटल्स वर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इन 1530 ही डाइज, और फिर कहानी जो है बाबर की ख़त्म हो जाती है, और पिक्चर में आता है हुमायूं। तो चलिए, अगले वीडियो में हम लोग जो है हुमायूं पढ़ेंगे, और हुमायूं के साथ साथ हम लोग शेरशाह सूरी को भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक पैरेलल पीरियड चलेगा। हुमायूं था पहले, फिर उसके बाद हुमायूं जो है उसको 10 साल के बाद जो है 1530 हुमायूं कम्स, 1540 में हुमायूं ख़त्म हो जाता है, ही इज़ नाउ रेफ्यूजी हुमायूं। फिर शेरशाह सूरी का रूल शुरू होता है, सुर डायनेस्टी, 5 साल शेरशाह सूरी रूल करेगा 45 तक। उसके बाद शेरशाह सूरी के बाद रूलर्स बहुत वीक होंगे, और 1555 तक सुर डायनेस्टी एंड हो जाती है, और फिर 1556 में आफ्टर द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत फिर से मुगल रूल एस्टैब्लिश हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब हम सेकंड वीडियो में देखेंगे, इसको आप कॉपी कर सकते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट बाबर, ऑल राइट, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।